डियर स्टूडेंट्स वकार हियर योर बायोलॉजी टीचर कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैर आफियत से होंगे आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है आइए देखते हैं और इसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ डियर स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा मौजू एमसीक्यूज से ताल्लुक रखता है आगाज करते हैं पहले एमसीक्यू से एमसीक्यू नंबर करेक्ट सीक्वेंस फॉर बायोलॉजिकल मेथड इज बताइए बायोलॉजिकल मेथड का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है रिकॉल योर मेमोरी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि बायोलॉजिकल मेथड के, बायो के मुखलिंग मराहल हैं आइए ऑप्शंस को एक एक करके एनालाइज करते हैं ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस लॉ एंड थ्योरी पहली ऑप्शन क्या है ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस के बाद लॉ और लॉ के बाद थ्योरी ऑप्शन बी हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन डिडक्शन एक्सपेरिमेंटेशन यानी पहले हाइपोथेसिस फिर ऑब्जर्वेशन फिर डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस डिडक्शन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्शन डी लॉ थ्योरी डिडक्शन ऑब्जर्वेशन डियर स्टूडेंट्स इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी है आप टिक करेंगे ऑप्शन सी पे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है फिर हाइपोथेसिस फिर डिडक्शन और फिर एक्सपेरिमेंटेशन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू को क्वेश्चन नंबर टू को विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाइपोथिस बताइए दी गई ऑप्शंस में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं है जो कि हाइपोथेसिस का हिस्सा है आइए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं ऑप्शन ए मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डेटा ऑप्शन बी मस्ट बी टेस्टेबल ऑप्शन सी मस्ट बी कोट एंड ऑप्शन डी मस्ट मेक प्रिडिक्शन स्टूडेंट्स हाइपोथिस की बात की जाए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथिस हम डिस्कस कर चुके हैं और हमें मालूम है वो क्या है रिकॉल योर मेमोरी एक अच्छा हाइपोथिस ऐसा होता है जिसकी स्टेटमेंट सिंपल होती है जनरल होती है ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होती है टेस्टेबल होती है फालसिफाइबल होती है और चारों ऑप्शन जो दी गई है इसमें से दुरुस्त ऑप्शन है मस्ट बी कोरेक्ट ये ऑप्शन ठीक नहीं है ये एक हाइपोथिस का करेक्टर नहीं है पहली ऑप्शन को देखिए मस्ट बी कंसिस्टेंट विद एक डाटा अच्छा करेक्टर है चौथी ऑप्शन मस्ट मेक प्रोडिक्शन ये भी ठीक है हमें पूछा गया है बताइए कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो हाइपोथेसिस का करेक्टर नहीं है तो आपने टिक करना है ऑप्शन सी पे आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर एट पॉइंट इज अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग बायोलॉजिकल मेथड में वो कौन सा मरहला है कि जिसमें बायोलॉजिस्ट रीजनिंग का इस्तेमाल करता है आइए ऑप्शन को एनालाइज करते हैं दुरुस्त जवाब का इंतखाब करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन ए वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑप्शन बी ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ऑप्शन सी ड्यूरिंग डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन स्टूडेंट्स पहली ऑप्शन को एनालाइज कीजिए ऑब्जर्वेशन के दौरान दूसरी ऑप्शन का मतलब है के बनाने के दौरान तीसरी ऑप्शन का मतलब है को ऑर्गेनाइज करने के दौरान और चौथी ऑप्शन का मतलब है एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान यहां पर जो दुरुस्त ऑप्शन है जो सही जवाब है वो हाइपोथेसिस फॉर्मूलेशन के दौरान वाला है आपने टिक करना है ऑप्शन बी को आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर फोर अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड बीइंग टेस्टेबल मींस डेट एक हाइपोथेसिस काबिल आजमाइश है टेस्टेबल है और इसका मतलब क्या है आइए चार ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं ए सम ऑब्जर्वेशन कुड प्रूव डेट हाइपोथेसिस इज इनकोरेक्ट कुछ ऑब्जर्वेशन ये साबित कर सकती हैं कि हाइपोथेसिस गलत है बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर दाइपोज इज और इनकोरेक्ट एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ही बता सकता है ठीक है या नहीं ऑप्शन सी दाइपोथिस इज प्रूवन रॉन्ग एंड ऑप्शन डी द ऑपोजिट ऑफ हाइपोथिस इज टेस्टेड एंड प्रूवन रोंग ऑप्शन सी का मतलब है कि हाइपोथिस गलत साबित हो जाता है और ऑप्शन डी का मतलब है हाइपोथिस के ऑपोजिट को टेस्ट किया जाता है और गलत साबित हो जाता है डियर स्टूडेंट्स दोबारा से स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड एक हाइपोथेसिस को काबिल आजमाइश होना चाहिए ताकि साइंसी बुनियादों पर वो वैलिड तस्वर किया जा सके बींग टेस्टेबल होने या काबिले आजमाइश होने का मतलब क्या है हमने जो चारों ऑप्शन यहां पर डिस्कस की हैं, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी ओनली अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर द हाइपोथिस इज करेक्ट और इनकोरेक्ट आपने इसको टिक करना है ये दूसरी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है बकिया तीनों ऑप्शन इनकोरेक्ट हैं आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर बताइए एक हाइपोथेसिस be है जो ये कहता है बीन प्लांट को सोडियम की जरूरत है आपने इस हाइपोथेसिस को चेक करना है आपने ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस और डिडक्शन को आजमाने के लिए तजुर्बात करने हैं उसके लिए कौन सा डिजाइन इस्तेमाल होगा आइए चारों ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं ऑप्शन ए मैयर द अमाउंट ऑफ सोडियम इन अ फ्यू बीन प्लांट्स हम मैयर करेंगे सोडियम की मकदार को कुछ बीन प्लांट्स के अंदर फलियों वाले पौधों में ऑप्शन बी ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम हम ग्रो करेंगे उनकी काश्तकारी करेंगे उनकी नुशोनुमा करेंगे बीन प्लांट्स की सोडियम के साथ और सोडियम के बगैर ऑप्शन सी लुक फॉर सोडियम इन लीफ टिश्यू हम लीफ टिश्यू के अंदर सोडियम को एनालाइज करेंगे ऑप्शन डी एनालाइज रूट कंटेंट फॉर सोडियम हम रूट के कंटेंट्स को एनालाइज करेंगे जड़ों के अंदर हम देखेंगे सोडियम है या नहीं स्टूडेंट्स चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए रिकॉल योर मेमोरी हम डिस्कस कर चुके हैं एक एक्सपेरिमेंट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं एक को कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है यहां दी गई चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन दुरुस्त है उसके मुताबिक हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दो ग्रुप बनाएंगे एक ग्रुप के पौधों को सोडियम प्रोवाइड की जाएगी दूसरे ग्रुप के पौधों को सोडियम प्रोवाइड नहीं की जाएगी और इसके मुताबिक जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम क्या बीन प्लांट्स को सोडियम और उसके बगैर ग्रो करके देखेंगे कि आया सोडियम वाकई ही फायदा है बुनियादी जरूरत है या नहीं है आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स अ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नैक नियर बाय एक किसान है एक माली है एक बागवान है वो अपने करीब एक सांप को देखता है ही नोज दैट वो जानता है जनरली स्नैक स्टिंग के सांप डंग मारता है सो द गार्डनर रेन अवे नतीजे के तौर पे चूंकि उसे मालूम है वो भाग जाता है वहां से द गार्डनर डिट विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डनर ने ये जो स्टेप लिया है वो बायोलॉजिकल मेथड का कौन सा स्टेप है आइए ऑब्जर्वेशन को देखते हैं ए ऑप्शन यूज रीजनिंग बी ऑप्शन यूज ऑब्जर्वेशन सी ऑप्शन कंस्ट्रक्टेड अ थ्यूरी एंड डी ऑप्शन टेस्टेड हाइपोथेसिस डियर स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे रेलिवेंट आंसर है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए उसने रीजनिंग का इस्तेमाल किया ऑब्जर्वेशन के दौरान के दौरान रीजनिंग की जाती है यहां भी चूंकि उसके इलम में था कि सांप डंग मारता है उसने सांप को देखा था उसने रीजनिंग को इस्तेमाल किया कि अगर वो वहां पर रहता तो सांप का डंग उसको नुकसान पहुंचा सकता था इसलिए वो वहां से भाग खड़ा हुआ वहां से दूर चला गया

कि वो मुकम्मल तौर पर दरुस्त साबित हो चुकी होती है ऑप्शन डी इट डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस इसके लिए जरूरत नहीं है कि नए मुशाहिदात की रोशनी में नए सबूतों की रोशनी पे उसको अल्टर्ड कर लिया जाए उसको बदल दिया जाए तब्दील कर दिया जाए Dear students, recall your memory. हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि एक साइंटिफिक थ्योरी कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है, ये होती है. तो इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी आप टिक करेंगे ऑप्शन सी पे इट हैज बिन एब्सोल्युटली प्रूवन आप टिक करेंगे इस ऑप्शन को जो कि दुरुस्त जवाब है आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 8 एक्सपेरिमेंटेशन इज

C ensures that hypothesis can be confirmed with certainty. ये इस बात को यकीनी बनाता है कि hypothesis को confirm किया जाए वाकई ही वो ठीक है या दुरुस्त नहीं है ऑप्शन डी गिव साइंटिस्ट अ चांस टू वर्क इन द लेबोरेटरी ये साइंटिस्ट को ये मौका मुहैया करता है कि वो लेबोरेटरी में काम कर सकें। डियर स्टूडेंट्स चार ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए इसमें जो बेहतरीन जवाब है सबसे ज्यादा अच्छा जवाब है सबसे एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन सी एंश्योर्स डेट हाइपोथेसिस कैन बी कन्फर्म विद सर्टेनिटी कि एक्सपेरिमेंटेशन एक अहम मरहला है क्योंकि ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हाइपोथेसिस से जो रिजल्ट निकलने हैं हाइपोथेसिस से जो नतज अखज किए जाने हैं वो दुरुस्त होने चाहिए और हाइपोथेसिस की आजमाइश की ही इसलिए जाती है ताकि उसको परखा जा सके इसलिए आपने टिक करना है ऑप्शन सी को आइए डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज में लास्ट वाले क्वेश्चंस को और क्वेश्चन नंबर नाइन आइए स्टडी आप एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस क्या है स्टूडेंट्स ज्यादा हासिल करते हैं इल्म को अगर वो चाय पीते हैं मुताले के लिए बैठने से पहले समझ लीजिए हाइपोथेसिस क्या है स्टूडेंट्स लर्न मोर इफ देफोर सेटिंग फॉर स्टडी स्टूडेंट्स की पढ़ाई में उनके नॉलेज में उनकी अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा बेहतरी आती है अगर वो मुतााले के लिए बैठने से पहले अपनी पढ़ाई का आगाज करने से पहले चाय पीते हैं योर ट्वेंटी एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स ड्रिंक टी बिफोर स्टडी अब जब हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं तो बीस तलब इलम ऐसे हैं जो मुताले से पहले चाय पीते हैं यू टेस्ट लर्निंग बाय गिविंग क्वेश्चन आप उनकी लर्निंग को चेक कर सकते हैं सवाल के जरिए हैव ऑल एक्सपेरिमेंटल का ग्रुप ऐसा है कि जिनको ये अलाउ किया गया मुताले से पहले पढ़ाई से पहले तालीम के हसूल से पहले बैठने के लिए वो चाय पीते हैं फिर इसका आगाज करते हैं जबकि एक ग्रुप और भी होगा जो कि कंट्रोल ग्रुप होगा बताइए कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ग्रुप और कंट्रोल दोनों के स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? कुछ कंडीशन तो सेम है उनको चाहिए कि वो ऐसी चाय इस्तेमाल करें जिसमें ज्यादा दूध और चीनी है ऑप्शन बी बिफोर एज वेल एज ड्यूरिंग स्टडी उन्हें चाहिए कि वो पहले और मुताले के दौरान दोनों दफा चाय का इस्तेमाल करें ऑप्शन सी दे शुड नोट टेक टी बिफोर स्टडी उनको चाहिए कि वो मुताले से पहले चाय का इस्तेमाल ना करें ऑप्शन डी आफ्टर टेकिंग टी दे शुड नोट सिट फॉर स्टडी चाय पीने के बाद उनके लिए लाजिम है वो मुताले को ना करें डियर स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटेशन में जब भी एक्सपेरिमेंट होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो जानदार होते हैं उनको आर्टिफिशियल या चेंज वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं जिनके रिजल्ट्स को हमने एनालाइज करना है जबकि कंट्रोल ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जानदार होते हैं उनको नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पर चूंकि हमने ये चेक करना है कि चाय की वजह से मुताले पर क्या असरा मुरतब होते हैं चाय की वजह से पढ़ाई में बेहतरी आती है या नहीं आती है तो एक ग्रुप तो वो है कि जिसके तालब इलम चाय इस्तेमाल कर रहे हैं अल्टरनेटिवली दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिकली ऐसे तालब इलम का होगा कि जिनके लिए ये अलाव नहीं किया जाएगा कि वो मुताले से पहले चाय का इस्तेमाल करें यहां दी गई चारों ऑप्शन में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी जिसके मुताबिक दूसरा ग्रुप जो कि कंट्रोल ग्रुप है उसके तालब इमों के लिए चाय मुहैया नहीं की जाएगी टू की को, और उसमें को समझने की कोशिश की मुझे उम्मीद है ये आपने समझ लिए होंगे समझने के बाद इनको याद भी कीजिएगा अच्छी तरह याद करने के लिए लाजिम है कि नोट डाउन करना होता है इसलिए आपने इनको नोट डाउन भी करना है डेयर स्टूडेंट्स एमसी क्यूज में हमेशा सोच समझकर ऑप्शन का इंतखा किया जाता है लाजिम है सवाल की स्टेटमेंट को समझें उसके बाद ऑप्शन को टिक करें क्योंकि एक दफा ऑप्शन को टिक करने के बाद वापसी का रास्ता नहीं होता है एक सवाल की एक ऑप्शन दुरुस्त तस्वर की जाती है अगर एक सवाल में एक से ज्यादा ऑप्शन टिक की जाएंगी वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा इसलिए आपने बहुत एहतियात के साथ सोच समझ कर दुरुस्त जवाब का इंतख्या करना है मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करेंगे डियर स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज